हेलो, गुड मॉर्निंग एफआई बीकॉम स्टूडेंट. गुड हेलो, मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल. व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बलचा अर्थ काय आहे? प्रीएम्बल म्हणजे हेतुपूर्वक कायदा काढणे, त्याला आपण म्हणतो प्रीएम्बल. द प्रीएम्बल ऑफ UDHR कन्सिस्ट ऑफ द 7 पॅराग्राफ फॉलोड बाय द स्टेटमेंट of proclamation of declaration. The preamble states that the reason for adoption of the declaration is state as follows. So preamble उसका मतलब होता है कि particular purpose के लिए जो कायदा निकाला गया है उसको हम preamble बोलते हैं. तो उसको 7 paragraphs में बांटा गया है, उसको 7 paragraphs में divide किया गया है कि ये declaration क्यों निकाला गया, कि for example particular reason के लिए ये कायदा कानून निकाला गया. कि for example हम बोलते हैं कि RTI 2005, तो जिसको हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए निकाला गया है, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जब औरतों पे या महिलाओं पे जब रेप होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर कायदा निकाला गया है, या कहीं खून खराब होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर कायदा निकल गया है. तो उसकी वजह से हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल. पॉइंट समझा? प्रीएम्बल मतलब क्या, ये समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. ओके, आगे बढ़ते हैं. Whereas the recognition of inherent dignity of the equal and inalienable rights of all the members of human family is the foundation of the freedom, justice and peace in the world. So, दुनिया में हम बोलते हैं कि सभी जगह पे और सब सब लोगों के लिए फ्रीडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और पीस होना चाहिए. इसकी वजह से और ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारी डिग्निटी है वो, उसको हम बोलते हैं कि इट शुड बी व्हाट वी कैन से दैट इट शुड बी मेंटेन, और नॉट शुड बी बट इट मस्ट बी मेंटेन. तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ UDHR बनाया गया है. समझा? यस मैम. द डिसरिगार्ड एंड द कंटेम्प्ट फॉर ह्यूमन राइट्स हैव रिजल्टेड इन द बार्बरस एक्ट and which have outraged the conscience of the mankind and the advance of the world in the human, sorry, advance of the world in which human beings shall enjoy the freedom of speech, belief, freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. So, yahan pe kuch jaise dekhiye, yahan pe shabdon ka arth likha gaya hai. So, conscience matlab kya? To pehla apan manto जाणीवपूर्वक, जो अपन म्हणतो की जाणीवपूर्वक तुमची विवेकबुद्धी, की उसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए या आपको एहसास होना चाहिए कि आप सही है. या हम बोलते हैं कि हम अपने, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम बहुत सही होते हैं फिर भी हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हम सही होते हैं लेकिन हमारे पास, हमें साबित करने के लिए उसके लिए क्या होना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल उसके लिए टाइम देना पड़ता है. यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है? Wherever disregard and contempt for human rights have resulted in the barbarous acts which have outraged the conscience of the mankind. So barbarous means हम बोलते हैं कि महसूल वसूल करना, कर वसूल करना. तो जैसे जैसे हमने कल परसों देखा था कि इंग्लैंड में जो किंग जॉन था वो समझो कि जो ठेकेदार थे, पेरेंट्स और लैंडलॉर्ड थे, उसके पास से वो महसूल वसूल करता था. वो ज्यादा मात्रा में महसूल वसूल किया था, तो उसकी वजह से क्या, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया. मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर सबको यहाँ पे जीने का हक दिया गया है तो सबके लिए वो राइट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? सबके लिए राइट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे दूसरा भी देखिए, दैट ह्यूमन बींग शैल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ, फ्रीडम ऑफ freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. The common people ka jo hum bolte ki problem kya hota hai ki ek to for example ki freedom of speech means aapko bolne ka adhikar diya gaya hai. Bolne ka adhikar kahan pe diya gaya ki jahan pe for example hum bolte ki bol to sabhi sakte hai. Pura life hum bolte ki bahut kuch bolte hai lekin jaise hum when we talk about the spiritually कि कौन सा शब्द हमें कहाँ पे बोलना है वो हमको समझ में आ जाए तो हमारा लाइफ कैसा हो जाएगा, स्मूथ एंड इजी हो जाएगा. तो दूसरा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीफ कि आप किस पे भरोसा करते हैं. यू डोंट बिलीव इन गॉड देन
what happened? You don't believe in yourself, then what happened? You will means you can't go ahead more and more. कि जैसे हम बोलते हैं कि अपने आप में भरोसा रखना, भगवान में भरोसा रखना, क्योंकि जैसे ये जो हम बोलते हैं कि दुनिया जो पूरा वर्ल्ड है उसको चलाने वाला सिर्फ भगवान है, उसके जैसे मैंने आपको कल भी बताया था उसके बिना पत्ता भी नहीं आता, तो फिर उसको इग्नोर करके नहीं चलता है। दूसरा है आपने अपने आप में भरोसा रखना, अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि हर जो हम बोलते हैं कि निर्भय होना, निर्भय होना मीन्स हम जी जो छोटी छोटी बात में मीन्स हम बोलते हैं कि हमें डर लगता है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए हम ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, पर वो हम बोलते हैं ना कि उस डर को दिल से निकाल देना चाहिए। तो ये सब कॉमन पीपल के लिए यहाँ पे ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर एज it is essential if man is not to be compelled to have resources at last resort and the rebellion against tyranny and the oppression that human rights should be protected by the rule of the law. So yahan pe aapko kya bataya gaya hai, main fir se padhti hu. Whereas it is essential if man is not to be compelled to have resources as a last resort, rebellion against tyranny and oppression, the human rights should be protected by the law. कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पे बहुत मीन्स हम बोलते कि इनजस्टिस, हम बोलते कि उस जब हम फेस कर रहे होते या सही होते भी हम अपने आप को सही नहीं प्रूव कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सबके लिए जैसे एक जैसे रूल्स बने तो सबके लिए न्याय मिलना भी वहाँ पे जरूरी है। तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसके लिए फिर आपको यू हैव टू यूज दैट द लॉ ऑफ द रूल ऑफ द लॉ मीन्स आपको कायदे का या कानून का आपको सपोर्ट लेना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मूवी में हम देखते हैं, या फॉर एग्जांपल बहुत बार ज़्यादातर हम मूवी में ये सब कुछ केसेस वगैरह हम देखते हैं कि वन इज राइट वन इज रॉन्ग, दैट हू इज रॉन्ग ना ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ very smoothly with the power of money or something like that, कि अपने हिसाब से पैसों के हिसाब से वो सबको खरीद लेता है। लेकिन हम बोलते हैं कि सत्य की जीत हमेशा आखिर में सत्य की जीत होती है। तो वैसा कुछ कि जैसे आपको जितना भी राइट दिया गया है तो उसके जैसे आप उस आप अपोज नहीं कर सकते या आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको कायदे का कायदा आपको सपोर्ट कर सकता है। समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? Do you understand or not? हाँ या ना? Yes. आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, Whereas the people of United Nations have in the charter reaffirmed their faith in the fundamental rights and in the dignity and the worth of human person, in the equal rights of men and women, have determined to promote a social progress, better standard of life in the larger freedom. The United Nations, जो हम बोलते कि जो UN Charter हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बताया गया कि आपको fundamental rights दिए गए, अपनी dignity को संभालते हुए, हम बोलते कि for example work means हमारा value क्या है? कि what is the cost or what is the worth of human being or human person, और जो हमको equally divide किया गया है means जो पुरुषों के लिए भी है वो महिलाओं के लिए भी है, तो उसकी वजह से ही समाज का progress या हम बोलते कि social progress हो सकता है और हम better standard life जी सकते हैं। तो जैसे for example हमारे समाज में जैसे मैं आपको कल भी बताया था कि जो स्त्री महिला है उनको द्वितीय स्थान दिया जाता है, महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया जाता है, महिलाओं को इग्नोर किया जाता है या कभी कभी उनको समाज में स्थान नहीं मिलता, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनको वो क्यों वो महिलाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ मूवीज आपने देखी होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे हर बार उनको प्रूफ करना पड़ता है या प्रूफ करके वो जब आती है तो निखर के आती है समाज के सामने, तब समाज पूरा उनके सामने झुकता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे दंगल जैसी मूवी है, या हम बोलते हैं कि पैडमैन है, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी जो मूवी है कि जिसमें हम बोलते हैं कि महिलाओं का आदर करना चाहिए, महिलाओं की जो समस्या है
उसको इग्नोर करके हम बोलते कि समाज का हम बोलते कि समाज की प्रगति नहीं हो सके। तो जितना हमारे देश की बात करें कि जितना हम पुरुषों को मान देते हैं, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उतना महिलाओं को भी मिलना चाहिए, तभी समाज का प्रोग्रेस हो सकता है। कि जैसे हमने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था कि जितना परसेंटेज लड़कों की संख्या में है, उतना कम परसेंटेज हमें लड़कियों की संख्या में दिखाई देता है, क्योंकि कभी कभी दहेज प्रथा या हम बोलते कि जो लेन देन होता है, तो उसकी वजह से भी लड़कियों को जन्म नहीं दिया जाता। तो ये सब कुछ जो हम बोलते कि ये जो हर्डल्स है उसको हटा देना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर स्टेट हैव प्लेस्ड देमसेल्फ टू अचीव इनकॉर्पोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस द प्रमोशन ऑफ द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल क्या बताया गया है, वेयर एज द मेंबर स्टेट हैव प्लेस्ड देमसेल्फ टू अचीव इनकॉर्पोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। मीन्स हमारे मीन्स हम बोलते कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मीन्स ह्यूमन राइट्स के लेके उनका जो हम बोलते हैं कि मीटिंग होता है या क्यों होना चाहिए, सबको क्यों मिलना चाहिए, उसमें कुछ स्टेट जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल फ्रीडम पे भी उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। वेयर एज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस राइट एंड फ्रीडम इज of the greatest importance of the full realization of this pledge. तो जैसा हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पुलिस अफसर बनने जा रहा है, या फॉर एग्जाम्पल कोई हम बोलते कि कोई हम बोलते कि जो युवक है जो पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बनने जा रहा है, तो उसके पहले उसकी ड्यूटी को लेकर वहाँ पे वो प्रतिज्ञा लेता है। कोई भी कैसा भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, मैं अपनी देश की सेवा तन मन धन से करूंगा। मीन्स ये बात वहाँ पे मीन्स ये उसको बोलते कि प्रतिज्ञा प्लेस लिया जाता है। कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, तो डॉक्टर भी इतना प्रोफेशन से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं अपनी हम बोलते कि देश की सेवा करूंगा। मीन्स जो हम बोलते कि पेशेंट की वो जो सेवा की जाती है या तो वो समाज के लिए, कि कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देता है कि फॉर एग्जाम्पल रात के 12 बजे 2:30 बजे 1 बजे तो कभी कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मीन्स ये उनका मीन्स उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए अवेलेबल होने चाहिए, तो उसकी वजह से उनको प्लेस वो प्लेस लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। समझ में आए? तो जितना आपको राइट्स दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आप कितना आपको डॉक्टर बनने का राइट दिया गया, तो आपकी फ्रीडम क्या है कि आप पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक ठाक करो। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे? मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया। तो जैसे फॉर सिंपल ये सब नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स एंड नॉट ओनली फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, बट इट इज अप्लाइड टू एवरीबॉडी। कि जितना आपको दिया जाता है उतना रिटर्न बैक आपको खुद सोसाइटी को देना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ देयरफॉर द जनरल असेंबली प्रोक्लेम्स that this universal declaration of human rights as the common standard of achievement for all the people and all nations, to end that every individual and every organ of the society keeping this declaration constantly in the mind shall strive by teaching and education to promote the respect for these rights and the freedom, and by this progressive measure that national and international to secure their universal and effective recognition and observation both among the people of member states then and among the people of territories under the jurisdiction. यहाँ पे क्या बताया कि जैसे जनरल असेंबली हम बोलते कि मीटिंग होती है, स्टेट कुछ स्टेट जुड़े हुए हैं या यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का मीटिंग होता है, तो उसमें सभी लोगों के लिए क्या बताया गया कि पीस हारमोनी और फ्रीडम, ये सब जस्टिस, ये चार जो पॉइंट्स है ये सब सबके साथ जुड़े हुए हैं।
कि फॉर एग्जांपल एज अ कंज्यूमर, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एज अ कंज्यूमर जब हम पैसा देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मर्चेंट के पास क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम ग्राहक की ओर पे, ग्राहक की तौर पे जब हम वस्तु खरीदी करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हाँ क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अच्छी सर्विस में, गुड सर्विस, गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी, एम आई राइट? गुड सर्विस, गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल दिए थे, दूसरा कि जैसे आप तेल का डब्बा खरीदते हैं, ओके, जो हम बोलते हैं कि 5 लीटर का तेल का डब्बा खरीदते हैं, लेकिन आप जब नापने जाए उसको तो सही में उसमें 5 लीटर होता है, सही में उसमें 5 लीटर होता है, कभी आप देखिए होता है नहीं, थोड़ा सा कम होता है। तो इट इज से दैट आप पैसा दे रहे हो तो आपको कैसा मिलना चाहिए, चीज कैसा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, आपको कैसा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, ओके। दूसरा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी, हम बोलते कि जैसे आपको जैसे आप घर खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, तो जैसे वो हम बोलते कि जो हम बोलते कि जो प्लेसेस के हम बोलते कि जो जगह के जो व्यवहार होते हैं वो कैसे होने चाहिए, जिसके साथ आप लेन देन करने वाले वो व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर आप वो पैसे दे रहे हो कि कभी कभी आपको दिखाई देता है समझ में कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो हम बोलते कि जो बिल्डर्स होते हैं सबको घर तो देता है, पैसे भी दे, पैसे भी लेता है, लेकिन अगर उसमें फैसिलिटी ना हो तो आपको जैसा चाहिए वैसा फैसिलिटी ना हो तो, फैसिलिटी ना हो तो चलेगा, फैसिलिटी ना हो तो चलेगा, ओके। वैसे ही वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या सबको जो कुछ भी है, जितना आप पेमेंट करते हो, जितना आप चुकाते हो, उतना आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए, उतना आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए कि फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग करते होते हैं, मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जब ऐसे होते हैं कि मुंबई में जैसे हम बोलते हैं कि लाल बस होती है, एक जगह से आप चल सकते हैं, एक जगह से उतर सकते हैं, ओके। तो जैसे कुछ हम क्यों बनाए, या फॉर एग्जाम्पल इधर से चढ़ना है और इधर से उतरना है, लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इतनी उनको हम बोलते हैं कि जल्दी होती है, अगर कोई मर भी जाए उधर तो भी वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं होता है, मर भी जाए उस गर्दी में या उस भीड़ में तो भी वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं होता है, उतरते टाइम और चढ़ते टाइम, जिसे हम लोकल ट्रेन में देखते हैं, आप पे तो कर रहे हो लेकिन उस सबको वहाँ पे अपनी जगह मिलनी चाहिए, सबको हमेशा सबको ठीक से मीन्स हम बोलते एक डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे तो हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर हम बोलते कि बिग सिटीज में, मेगा सिटीज में हमको ये सब कुछ दिखाई देता है, राइट्स के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन जो फ्रीडम दिया जाता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, हाँ। अभी यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स ऑफ UDHR आपको यहाँ पे दिए गए, तो ऐसे बहुत कितने आर्टिकल्स हैं, जैसे हम बोलते कि फॉर एग्जांपल ऐसे शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पे 30 आर्टिकल्स हैं, तो 30 आर्टिकल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप आगे की बात करते हैं, जैसे 30 आर्टिकल्स में पढ़ के नहीं बताने वालों कि अभी तक मैंने आपको जो बताया है वही रिपीटेशन हो रहा है, इसकी वजह से मैं आपको आगे का पॉइंट बताने वाला हूँ। आगे का पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल तो हम वन बाय वन बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हैव यू रिटन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ या ना? डू यू हैव नोट एंड पेन? यस, हाँ, राइट डाउन दैट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा लिखा? यस मैम। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? दैट फंडामेंटल राइट्स एम एट प्रपोजल गुड ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द कम्युनिटी, दे हैव आल्सो बीन एम एट ओवरटर्निंग द इनइक्वालिटी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस सोशल प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिकली दे हैव बीन यूज्ड टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, to prohibit the
discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. They forbid the trafficking of the human beings and the forced labor. They also protect the cultural and educational rights of ethnic and the religious minorities by allowing them to preserve their languages, also to establish and administer their educational institutions. So fundamental rights मतलब क्या? जो आपने मूलभूत हक अभी तक हम बोल रहे थे कि fundamental rights, natural rights, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो fundamental rights का मतलब क्या है? जो constitution में बताया गया है कि ये सबको दिया गया है, उसका मतलब है कि जो हमारे बोलते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी के पहले जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, हाँ, अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था, हमारे पे हम भारतीयों पे बहुत कुछ अत्याचार किया, फिर कुछ लोगों ने आवाज दी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अहिंसा के साथ, कुछ लोगों ने हिंसा के साथ, तो आवाज जरूर उठाई जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमें फ्रीडम मिला, मीन्स हमारा टॉलरेंस ज्यादा था इसकी वजह से हमें इनजस्टिस सहा, मीन्स अन्याय सहा, पर कहीं ना कहीं उसको अपोज करना या उसके विरोध करना ये हमको बताया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में हम बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी, चला अपन मराठी में तो अस्पृश्यता, कि कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि अनटचेबल, दे आर कॉल्ड अनटचेबल, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आदिवासी, दे आर लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द जंगल, दे हैव देयर ओन एरिया, दे डो नॉट कम इन अवर कॉमन सोसाइटी, उनको यहाँ पे हम नहीं रख सकते या हम यहाँ पे उनको अलाउ नहीं करते, तो वो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उसका फॉर्म चल रहा है, उसका प्रैक्टिस चल रहा है, तो वो निकाल देना चाहिए. देन वी हैव टू प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ. जैसे हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म किस तरह से दिखाई देता है, उसका प्रैक्टिस हमें दिखाई देता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की किसी जात किसी पर्टिकुलर जात के साथ हमारा बर्ताव गंदा होना, या रिलीजन के नाम पे उसके साथ झगड़ा करना, या कास्ट के नाम पे उसके साथ झगड़ा करना, या हम बोलते कि उसके हम बोलते कि प्लेस ऑफ बर्थ से उसके लेके उसको परेशान करना, तो ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में. वो एक सब कुछ ये जो हर्डल्स है सोसाइटी प्रोग्रेस के लिए उसको निकाल देना चाहिए. Then they forbid trafficking of the human beings. हम बोलते हैं कि trafficking of human beings means particular means particular power के लिए, या हम बोलते हैं कि particular just what we can say that कुछ पैसों कुछ पैसों के लिए, कि जैसे औरतों को बेचा जाता है, बच्चियों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए. जैसे आपने बहुत means जैसे हमारे समाज में ड्रग्स वगैरह बेचा जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यूथ को ब्रेन वॉश किया जाता है, यूथ खराब, मीन्स हम बोलते हैं कि यूथ खराब है, युवा खराब है, तो पूरा हम बोलते हैं कि जो देश का भविष्य है वो कैसा होगा, खराब होगा, बच्चे खराब है, उसको संस्कार नहीं, उसके पास कल्चर नहीं, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो फिर जनरेशन कैसी होगी, नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा, खराब होगा ना, तो सही क्या नहीं, तभी बचपन से ही हम बोलते हैं कि एजुकेशन को बताना चाहिए. तो कभी कभी हम बोलते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, तो हम बोलते हैं कि कोई भी जो हम बोलते हैं कि हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म के जाति के लोग रहते हैं, हर एक जाति और धर्म के लोगों को अपनी अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का, या हम बोलते हैं कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का हक आपको दिया गया है. तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं वो हर्डल्स हमको निकाल देने चाहिए सोसाइटी में से, तो जिसकी वजह से सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है. समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपको हार्डली हमको ज्यादातर दो या तीन लैंग्वेजेस आती है, एम आई राइट ना? हार्डली हमको दो या तीन लैंग्वेजेस आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Are you listening to me? हाल ही हमको दो तीन लैंग्वेजेस आती है, लेकिन मैं ये सोचूं कि मुझे और लैंग्वेजेस सीखनी है, तो बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट किसको होगा?
बेनिफिट किसको होगा? मुझे होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे उर्दू सीखना है, पर कुछ लोग ऐसा है उर्दू सीख के क्या करेगी, या उर्दू सीख के क्या करेगी, उर्दू सीख लेगी कि बाद में क्या होगा? नहीं, एक फायदा जरूर होगा कि जापानी सीखे या चाइनीज सीखे या साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखे, क्या करोगे? मतलब फायदा तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होगा. तो रिलीजन को लेके जब भी जैसे हम बोलते कि कुछ लैंग्वेजेस भी हम जब नहीं सीखते हैं, तो उसका हम बोलते कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट समाज पे दिखाई देता है. दिस इज द सिंपल, इफ यू नो मोर लैंग्वेजेस यू आर मोर बेनिफिशियल. Whenever you go in the state, whenever you go in the country, if you know more languages, you are beneficial. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ. Okay, आगे देखते हैं. The fundamental rights in India. Yes, ma'am. Enshrined in the Part 3 of the Constitution of India, guarantee civil liberty, such as all Indians can lead their lives in the peace. हारमोनी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. तो जो भारतीय संविधान है, तो वो सबसे बड़ा संविधान है. उसमें ये जो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में उसको इंक्लूड किया गया है. और उसका जो उद्देश्य है, उसका जो हेतु है, कि सब जो हम बोलते कि नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो उनको शांति से और यूनिटी के साथ, हम बोलते कि एकता के साथ रहने का हक दिया गया है. देन दिस इंक्लूड इंडिविजुअल राइट्स कॉमन टू द मोस्ट liberal democracies such as equality before the law, freedom of speech and expression, freedom of association, peaceful assembly, freedom of practice religion, right to the constitutional remedies for the protection of the civil rights. So, उसमें क्या क्या include किया गया है? जैसे ये fundamental rights में या हर एक जो individual को दिया गया है, तो सबसे पहले आता है liberal democracy. लोकशाही उसको बोलते हैं, कि जहाँ चाहे लोग वहाँ पे रह सकते, अपनी मर्जी से वहाँ पे रह सकते, जहाँ चाहे वो नौकरी कर सकते, व्यवसाय कर सकते हैं, हाँ, अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे रह सकते. दूसरा है सच एज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि आपको समानता मिले, इसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए, उसका आप आधार ले सकते हैं. देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, आपको एक्सप्रेस होने का अधिकार दिया गया है, तो वो आपको सही तरीके आपको इस्तेमाल करता आना, सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए. देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस रिलीजियन एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि आपका जो रिलीजन है वो आप उसका आप हम बोलते हैं कि उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो कि रिलीजन के हिसाब से, पर ये मतलब नहीं होता है कि आप अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए दूसरे के जो रिलीजन है उसको आप नीचा दिखाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते. तो मेरा ही रिलीजन अच्छा है, दूसरों का रिलीजन बुरा है, ऐसा नहीं. मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यू कैन डू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन योर सोसाइटी अमंग अदर्स पीपल, कि आपके जो बाकी के हम बोलते कि बाकी के जो लोग हैं, कि जो हम बोलते कि क्रिश्चियन है, पारसी है, ज़ोरास्ट्रियन है, या हम बोलते जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, सबका रिलीजन को एक जैसे देखना चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज वायोलेशन ऑफ दिस राइट रिजल्ट इन द पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब इन द पेनल कोड सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जुडिशरी. तो जैसे हम बोलते कि जहाँ पे हिंसा होती है, तो हिंसा के लिए वहाँ पे आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पेनल कोड की तरफ वहाँ पे उसको प्रेजेंट किया गया है. कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जैसे हम बोलते कि कोई ना कोई जब केस चल रहा होता है, रेप हो, मर्डर हो, या खून खराबा हो, या किसी के साथ हम बोलते कि चीटिंग हुआ हो जमीन से लेके प्रॉपर्टी से लेके, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं इंडियन पेनल कोड के थ्रू आपको ये जस्टिस मिल सकता है. समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस मैम. ओके, आगे बढ़ते हैं. द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज अ बेसिक ह्यूमन फ्रीडम विच एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी.
These rights are universally applied to all citizens, irrespective of the race, place of birth, religion, caste, creed, color or sex. तो ये पॉइंट बारी बारी यहाँ पे रिपीट होता है, क्योंकि यही फंडामेंटल राइट के लिए ये सबसे बड़ा एम यही है कि आपको क्या बताया गया है कि जो हम बोलते हैं कि जो इंडियन सिटीजन हैं, यहाँ हमारी हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी या डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि रेस को लेके, रेस में हम बोलते हैं कि कास्ट को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, रिलीजन को लेके, कलर को लेके या क्रीड को लेके, जितना भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं उसका हम बोलते हैं कि प्रोहिबिशन, उसको थाम देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सोसाइटी वी हैव टू बेयर, सॉरी द नेक्स्ट जनरेशन हैव टू बेयर द सो मच प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। द राइट्स हैव देयर ओरिजिन इन मेनी सोर्सेज इंक्लूडिंग इंग्लैंड्स बिल ऑफ द राइट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिल ऑफ राइट्स एंड द फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हम ये सत्य हैं, सत्य परिस्थिति है कि अभी तक हम जो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे वही उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंडियन पेनल कोड बनाए वगैरह वगैरह वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें फंडामेंटल राइट दे रहे। लेकिन जो हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने चलाया था वही अब आज तक हम अपना इस्तेमाल करते हैं। अपना खुद का मीन्स इंडियन क्या है, भारतीय क्या है, फंडामेंटल राइट वो यहाँ पे नहीं डाला गया। इसलिए सब जो बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें इंग्लैंड बिल ऑफ राइट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिल ऑफ राइट और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वो इंक्लूड किया गया है, अपना खुद का नहीं है। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। यस मैम। आपको नोट्स खुद निकालना होगा, ओके? नोट्स में भेज दे तो आपको नोट्स खुद निकालना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज When India obtained independence on the 15 August 1947, the task of developing constitution for nation was undertaken by the Constituent Assembly of India and composing of elected representative under the presidency of Rajendra Prasad. So, जैसे हम इंडिया को जब आजादी मिली, भारत को जब 15 अगस्त को 1947 में जब आज़ादी मिली तो हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम बोलते हैं कि पूरे हम बोलते हैं देश का जो संविधान है उसको फ्रेमवर्क करने का काम या उसको बनाने का काम उस टाइम के जो हम प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद उनके हाथ में था। व्हाइल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस कंपोज द लार्ज मेजोरिटी, the Congress leaders appointed the person from the diverse political background to responsibility of developing constitution and national law. उस टाइम भी भाजपा कांग्रेस ये पार्टियों में दिखाई देती थी। तो उस टाइम कांग्रेस ने क्या किया था, तो कांग्रेस ने एक लार्ज मेजोरिटी था वो उन्होंने बनाया था, और जो लार्ज मेजोरिटी था उसमें जो इंडिविजुअल्स थे या जो लोग थे वो दे बिलोंग टू द डिफरेंट they belong to the different political backgrounds. हर एक different political background से आए थे और उनका aim ये था कि जो constitution बनने जा रहा है या हम बोलते कि जो national law बनने जा रहा है तो वो सबके लिए कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। Notably the भीमराव रामजी अम्बेडकर became the chairperson of drafting committee and while जवाहरलाल नेहरू and सरदार वल्लभ भाई पटेल became the chairperson of the committee and subcommittee responsible for the different subjects. So, भारतीय संविधान के जो हम बोलते हैं कि जो फ्रेमवर्क था तो उन्होंने एक तो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ये उनके हाथ के नीचे हम बोलते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनके पास थी। लेकिन जो भारतीय संविधान बनाया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने बनाया था। वो चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, उनके साथ दो और व्यक्ति थे जिसका नाम जुड़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस कमेटी के चेयरपर्सन, सब कमिटीज के भी चेयरपर्सन थे, जो तीनों ने मिलके ये हम बोलते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया था।
समझ में आ रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। और डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखना है तो इस तरह से ही लिखना है। लैंग्वेज पॉइंट इज अ नोटेबल डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूरिंग दैट पीरियड हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन 10 December 1948 when United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights and called upon all the member states to adopt these rights in their respective constitution. So, 15 August, जब हम बोलते 15 अगस्त 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके बाद हम भारतीय संविधान बनने में बहुत सारे लोगों मीन्स पर्टिकुलर हम बोलते कि जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद हम बोलते कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की जो अभी बात करें, मूलभूत हक की बात करें, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कब उसमें इंक्लूड किया गया, 1948 को 1 February में उसको इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद थर्ड हम बोलते कि पर्टिकुलर उसका जो फ्रेमवर्क हमें दिखाई दिया, तो एक तो वो थर्ड नवंबर 1949 को पूरा का पूरा हम बोलते कि कमिटी ड्राफ्ट हुए दिखाई दिया, मीन्स हम बोलते कि रॉ मटेरियल, उसके बाद वो रॉ मटेरियल को उसमें डाला जाता है, उसके बाद उसको कच्चा मीन्स थोड़ा सा कच्चा घर बनाया जाता है, और उसके बाद जैसा हम बोलते हैं उसको प्लास्टर वगैरह सीमेंट वगैरह लगाया जाता है तो पक्का घर बन जाता है। वैसे ही हम बोलते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, और उसके बाद 3 November को 1948 को पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क रेडी हो गया 49 को। समझ में आया? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. So, आगे हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पॉइंट लिख के रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अभी फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने देखा, उसके हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वी विल सी फर्स्ट पॉइंट। आर यू राइटिंग ना? आर यू राइटिंग और नॉट? हेलो। यस मैम। हाँ, राइट डाउन। यस मैम। फर्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। देन सेकेंड पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ द राइट। एनफोर्समेंट ऑफ द राइट। तीसरा पॉइंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी। स्पेलिंग पता चलेगा मैं बोलूँ? एप्लीकेबिलिटी, APPLICABILITY। एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एंड फोर्सिएबल अगेंस्ट इंडिविजुअल। फोर्स का स्पेलिंग FORCE।